सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम पूर्वी सिंहभूम जिले के टेलको स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर, सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन पुष्पा रानी तिर्की समेत अन्य आरोपितों को जमशेदपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। सबों को लेकर जमशेदपुर पहुंची है पुलिस। सभी आरोपी एक ही साथ किसी परिचित के यहां ठहरे हुए थे। जमशेदपुर की पुलिस टीम चार दिनों से मध्य प्रदेश में कैंप कर रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी आत्मसमर्पण को लेकर स्वजनों पर पुलिस का दबाव था। पहले से पुलिस दबाव बना रही थी, जो उनके परिजन है, जान पहचान के लोग हैं, उनसे पूछताछ लगातार इन आरोपियों के बारे में पुलिस कर रही थी। ट्रस्ट में रहने वाली दो नाबालिगों ने ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर, सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन पुष्पा रानी तिर्की, वार्डन गीता देवी, आदित्य सिंह, टोनी डेविड और एक अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नाबालिगों का अदालत में 164 के तहत बयान भी दर्ज कराया गया था। इसके बाद 7 जून से सभी आरोपी टेलको शमशेर टावर से फरार हो गए थे। तो ये बड़ी खबर है और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। ये दरअसल ये जो पूरा मामला है, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में ये मामला घटित हुआ था, जहां दो नाबालिग बच्चियों ने ट्रस्ट के संचालक और उसकी पत्नी पर यौन उत्पीड़न सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे और अब सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अपने परिचित के घर में सभी एक ही जगह जमा थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जमशेदपुर इन्हें लाया गया है और इनसे आगे की पूछताछ पुलिस करेगी। कई और अहम खुलासे इनसे पूछताछ में हो सकते हैं। बड़ा ही ये सनसनीखेज मामला। संचालक समेत आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए हैं। सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन भी इस मामले में गिरफ्तार की गई है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे अपने संवाददाता प्रभात का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। ये जो पूरा मामला है मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़ा है, जहां नाबालिग बच्चियों ने कई गंभीर आरोप लगाए थे ट्रस्ट के संचालक पर, कई अन्य लोगों पर, क्या कुछ जानकारी मिली है? बिल्कुल जिसान, देखिए पिछले कई दिनों से जो मदर टेरेसा वेलफेयर जो ट्रस्ट है उसमें बच्चों के साथ में अमानवीय व्यवहार, उसके बाद जो संचालक है हरपाल सिंह उनके साथ लड़कियों जो बच्ची थी उनके साथ में दुर्व्यवहार करना, यौन शोषण के आरोप लगे थे। उसके बाद प्रशासन हरकत में आई थी और लगातार प्रशासन ने जांच किया। उसके बाद जो सेंटर है, सेंटर के 5 लोगों पर, हरपाल सिंह समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज कर और जांच पड़ताल शुरू की थी। उस दरमियान जांच में कई खामियां भी पाई गई थी। उसके बाद जो बच्चियां थी जो टेलको के गोविंदपुर में रह रही थी, वहां से बच्चियों को दूसरे जगह सेंटर में शिफ्ट किया गया और उसके बाद से हरपाल सिंह, उसकी पत्नी और 4 लोग फरार चल रहे थे। पुलिस ने लगातार छापामारी कर रहे थे। आज कल उसे देर रात मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गिरफ्तार करके लाया गया और आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है जिसान की, जिस तरीके से ये सारा मामला प्रकाश में आया था और कई दिनों से इस तरीके से घटनाएं चल रही थी और इसको लेकर आसपास के लोगों ने, चाहे सेंटर के कुछ लोगों ने प्रशासन को इसकी लिखित शिकायत भी की थी, उसके बाद भी उस वक्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी प्रशासन बाद में हरकत में आया और सारी मामला का खुलासा हुआ था और आज उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जी चलिए, तो सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन भी गिरफ्तार की गई है। प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो पूरा मामला है मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़ा है, जहां पर संचालक पर कई गंभीर और सनसनीखेज आरोप दो नाबालिगों ने लगाए थे और इनसे पूछताछ की जाएगी। इन्हें मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। चलिए